मेरा कोई नाम नहीं लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। अरे पूरे इंडिया के भाईजान नहीं है, किसी की जान भी है, बहुत सारों की जान भी है। कि हमारी जो हिंदी पिक्चर है वो चल नहीं रही। हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। और आज है सलमान खान की आने वाली फिल्म किसी की भाई किसी की जान के ट्रेलर के बारे में। हाँ, फाइनली सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर आ गया है। और ट्रेलर ये सलमान खान के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर आया है, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। ट्रेलर बहुत ही धमाकेदार है और सलमान खान की ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर 10 अप्रैल को रिलीज़ कर दिया गया है और इस फिल्म में सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े भी दिखने वाली है। जी हां, सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े भी इस फिल्म में होंगी। 10 अप्रैल को इसका ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि सलमान खान के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया है। और इसमें दोनों ही काफ़ी सुंदर नज़र आ रहे हैं। ये फिल्म 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में आने वाली है और धूम मचाने वाली है। सलमान खान की इस फिल्म में कुछ चीज़ें बहुत ही खास हैं, जैसे कि राघव जोयल बहुत ही खतरनाक एक्टिंग करते दिखने वाले हैं। उनकी कॉमेडी से वो सबको हंसाने वाले हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में अभी 1 करोड़ लोगों ने देख चुके हैं और आप लोग भी जाकर इसके ट्रेलर को देख सकते हैं। ट्रेलर बहुत ही धमाकेदार है और इसके गाने तो सुपर डुपर हिट हैं ही। सलमान खान की फिल्म 21 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका ट्रेलर आपको कैसा लगा। इंडिया के भाईजान हूँ, आपको जो धमकियाँ मिलती है उसे कैसे देखते हैं? इंडिया के भाईजान नहीं है, किसी की जान भी है, बहुत सारों की जान भी है। समझे? अरे भाईजान उनके लिए है जो के भाई हैं और उनके लिए है जो के हम बहन बनाना चाहते हैं। Well, thank you so much. Thank you. के हमारी जो हिंदी पिक्चर है वो चल नहीं रही। करा पिक्चर बनाओगे तो कैसी चलेगी यार? सिंपल है, पिक्चर वो बनाओ। अब हर एक के दिमाग में ये होता है कि हम मुगले आजम बना रहे हैं, शोले बना रहे हैं, हम आपके हैं कौन बना रहे हैं, दिलवाले बना रहे हैं, यू नो। बट वो इवेंचुअली बनती नहीं है, क्योंकि आजकल के कुछ डायरेक्टर्स जो मैं जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन लूँगा नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान को कोलाबा से लेके अंधेरी तक के समझते हैं, जो कि वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान है वो रेलवे स्टेशन के उस तरफ से स्टार्ट होता है, ईस्ट से स्टार्ट होता है। तो आजकल के एक बड़े ही कूल डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के एक इस टाइप की पिक्चर बनाएंगे, वो पिक्चर चलती नहीं है। हमको देखना है हिंदुस्तानी कंटेंट। और ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म किसी का भाई किसी की जान तो ये मुझ पे भारी नहीं पड़ना चाहिए।